आज इस वीडियो में सात ऐसे बेस्ट रोमांटिक एनिमे मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं, कैसे और कहां पर। डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू एनिमे लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना डेली इंटरेस्टिंग अमेजिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। नंबर 7, गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये एनिमे मूवी एक यंग मैन की लाइफ को दिखाती है जिसका नाम है तकाओ अकिजुकी, जो कि एक एस्पायरिंग शू मेकर है। बरसात के दिन वो एक गार्डन में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात 27 ईयर ओल्ड लेडी से होती है जिसका नाम होता है युकारी युकिनो, जो कि लिटरेचर की टीचर होती है। कहानी में अब ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है इस गार्डन में, और उसके बाद ये रोजाना यहाँ पर मिलना स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत होता है और बहुत कुछ देखने को आपको इस एनिमे में मिलेगा। इसके एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत ही लाजवाब है। इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये एनिमे मूवी एक ब्लॉकबस्टर है तो इसे मिस मत करना। नंबर 6, 5 cm/s। हमारे इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, टकाकी और अकारी। जो इस कहानी में हमारा मेल कैरेक्टर है उसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड अकारी पे क्रश होता है, पर वो कभी उसे बताता नहीं है। इनकी फैमिली कहीं दूर शिफ्ट कर जाती है जिसकी वजह से इनके प्यार में और दूरियां आ जाती है। इसमें आपको वन साइडेड लव की जो तकलीफें हैं वो देखने को मिलेंगी, और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इस कहानी को जरूर देखना। अब आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि इन मूवीज को हिंदी में कहां और कैसे देखें, तो डोंट वरी, बस वीडियो देखते जाओ, बता दूंगा। नंबर 5, वेदरिंग विथ यू। आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया होगा, पर अगर आपने इस एनिमे मूवी को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। मकोटो सिंकाई की ये सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है। ये एक फैंटेसी रोमांटिक एनिमे मूवी है, और इस मूवी के बारे में अगर मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो वो आपके लिए स्पॉइलर होगा। और ये जो एनिमे मूवी है ये बेहद मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बस तुम इसे देखो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जब तुम इस मूवी को देख लोगे तो वापस इस वीडियो पर आकर थैंक यू कह के जाना। नंबर 4, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रीज। ये जो एनिमे मूवी है ये आपको रुला भी सकती है। इसमें कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हारुकी, हारुकी सीगा, एक ऐसा लड़का जिसके लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा होता है और वो अपने लाइफ में लोनलीनेस फील करता है। पर तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है साकुरा, साकुरा यामाउची, एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही खुश रहती है। पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर हारुकी को एक सीक्रेट पता चल जाता है हमारे फीमेल कैरेक्टर साकुरा के बारे में। साकुरा एक पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित है और उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस एनिमे मूवी को देखते वक्त आप शायद रो भी सकते हैं, तो यार ये मूवी भी बेस्ट है, इसे भी आप जरूर देखना, और ये भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। नंबर 3, योर नेम। अब इस एनिमे मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में से ज़्यादातर ने इस एनिमे मूवी को ऑलरेडी देख लिया होगा। इसमें जब बॉडी स्वाइप होती है यानी कि एक्सचेंज हो जाती है, जो लड़की की बॉडी है वो लड़की के पास और लड़की की बॉडी लड़की के पास। इस एनिमे मूवी में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें 2 टीनेजर्स की कहानी है, मिसुआ और टाकी की। तो इस एनिमे मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एनिमे फैंस होकर यार इस मूवी को नहीं देखे हो फिर क्या देखे हो? नहीं देखे हो तो भी कोई बात नहीं, देख लेना हिंदी में। जिन एनिमे मूवीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है उन मूवीज़ को हिंदी में देखना है, प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, सभी एनिमे देख लोगे हिंदी में। टेंशन लेने की नहीं है बात, क्योंकि जब फैक्टोलिस है साथ तो डरने की क्या है बात। नंबर 2, अ साइलेंट वॉइस। इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें कहानी है एक लड़की की जो कि डिफ है यानी कि सुन नहीं सकती है, और वो अच्छे तरीके से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। इसमें जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है वो इसे बुली करता है स्कूल टाइम में, पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक होता है और पहले तो ये आई टू आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, पर जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो दोनों के बीच दूरियाँ कम होती हैं, और उसके बाद इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, स्टोरी थोड़ी धीरे धीरे रफ्तार में आती है, पर ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी। चाहे स्टोरी धीरे धीरे रफ्तार में आए पर स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है। इस एनिमे मूवी को भी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक एनिमे मूवी माना जाता है, तो आप जाकर जरूर देखें। नंबर 1, सुजुमे नो तोजिमारी। हाँ, नंबर 1 पे मैंने इसे रखा है। हाल ही में ये मूवी आई है और अगर आपने नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है। सुजुमे नो तोजिमारी को पीवीआर सिनेमास ने ऑफिशियली हिंदी में थिएटर्स में रिलीज़ किया था, तो यार अगर आपने थिएटर्स में नहीं देखा
तो वैसे देख लेना, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और यार कमेंट करके बताना इन 7 बेस्ट रोमांटिक एनिमे मूवीज में से आपने कौन सा मूवी नहीं देखा है और कौन सा देखोगे, और किस किस एनिमे मूवी को आपने देख लिया है और सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है। कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताना, मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूं और रिप्लाई भी करूंगा। इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि एनिमे देखते ही नहीं है, उन्हें बताओ कि एनिमे क्या चीज़ है और उन्हें क्यों देखना चाहिए। मतलब कि यार तुम एनिमे फैंस हो और दूसरों को एनिमे देखने के लिए नहीं कह रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो। एनिमे कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। इंडिया में एनिमे का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि क्रेज़ और ज़्यादा बढ़े। बॉलीवुड की किसी घटिया मूवी में अपना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया वो एनिमे मूवी देखकर अपने टाइम को यूटिलाइज करें। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं देखते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो, उन्हें बोलो कि अगर एनिमे सीरीज़ नहीं देखना है, हज़ार हज़ार एपिसोड्स नहीं देखने हैं पहले, तो स्टार्टिंग में मूवीज से स्टार्ट करें। और जब वो इन एनिमे मूवीज़ को देखेगा या देखेगी तो फिर उन्हें पता चलेगा कि एनिमे चीज़ क्या है। यार इस वीडियो के एंड में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो फैक्टोलिस को, ट्विटर पे फॉलो कर लो अगर ट्विटर यूज़ करते हो, और नहीं करते हो तो यूज़ करो और फॉलो करो फैक्टोलिस को। हमें एनिमे कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, एनिमे का क्रेज़ इंडिया में और बढ़ाना है। तो यार वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहो फैक्टोलिस।